नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सारे किसान साथियों का स्वागत है वीडियो में। साथियों, सभी कैसे हो? अच्छे होंगे। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और धुंध भी आ रही है और पाला गिरने की भी पूरी पूरी संभावना है साथियों। तो अपनी फसलों का ध्यान रखें दोस्तों। मैं आपको जो है अपनी फसल दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास अभी अपने खेत में कौन कौन सी फसलें जो है मैंने लगा रखी है और कौन सी फसलों की मैं अभी हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, उनमें फ्रूट की तुड़ाई कर रहा हूँ साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी चप्पल कद्दू की खेती दिखाता हूँ साथियों। ये देखिए साथियों, ये देखिए, ये चप्पल कद्दू की खेती है। और चप्पल कद्दू की अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो ये जो है 3.5 महीने की खेती होती है साथियों। और एक किल्ले से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो साथियों। चप्पल कद्दू की जो खेती होती है ये बेलनुमा ही खेती होती है साथियों, लेकिन इसकी बेल ग्रोथ कम करती है, 4 से 5 फुट ही इसकी बेल ग्रोथ करती है। और आप ये पीछे देख पा रहे हो, लाइन टू लाइन एक रो से दूसरे रो की आप दूरी देखिए, पौधे की दूरी देखिए। और मैं आपको जो है दिखाता हूँ, ये देखिए साथियों, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी देखिए और एक खत्ते से दूसरे खत्ते की दूरी देखिए साथियों, कितनी स्वस्थ फसल अभी खड़ी है आप ये भी देखिए। और किसी भी प्रकार का इनमें रोग नहीं है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब बात करूँ इनकी रेट की, तो साथियों अगर चप्पल कद्दू 10 रुपये किलो भी बिकेगी तो भी इसकी जो इनकम है बहुत ही बढ़िया होती है। और मैं आपको फ्रूट भी दिखाता हूँ अभी, जो फिलहाल मेरे खेत में मैंने एक बार हार्वेस्टिंग कर ली है और दूसरी हार्वेस्टिंग 2-3 दिन में अभी करने वाला हूँ साथियों। तो ये देखिए फ्रूट जो है बढ़ना शुरू हो गया है, ये देखिए आप, ये फ्रूट है, ये अभी छोटा है, कच्चा है। तैयार फ्रूट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साथियों, ये देखिए आप, ये फ्रूट देखिए, ये भी थोड़ा कच्चा है साथियों, ये 2 दिन में आके तैयार हो जाएगा। और इस साइड देखिए, ये लगा हुआ है साथियों, ये देखिए, ये भी कच्चा है। इसमें जो है अभी हार्वेस्टिंग कर ली थी इसलिए फ्रूट अभी तैयार नहीं है, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा साथियों। मेरे बहुत से किसान साथी कहते हैं कि चप्पल कद्दू जो है सर्दी में पीली पड़ गई है और पीली पड़ने के कारण की ग्रोथ रुक गई है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, पीले पत्ते तो ऐसे ही थोड़ा मौसम की वजह से हो जाते हैं, वो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और बात करूँ इनकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ के लिए आप जो है इनमें यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में नमी है तो भी यूरिया का छिड़काव आप कर सकते हैं। यूरिया जो है, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा आती है साथियों, और यूरिया जो है आराम से लग जाएगा, जितना उसके मोटे वाला यूरिया ही आप इस्तेमाल करें। और पौधों को पीड़ा होने से बचाने के लिए आप इनमें जो है NPK का स्प्रे कर सकते हो, या फिर कहूँ मैं आप पर टंकी, जैसे कि पर टंकी 1 गिलास यूरिया, जो हमारा पानी वाला गिलास होता है, वो गिलास आप लेकर इनमें छिड़क सकते हैं। साथ में मोनो वगैरह ले सकते हैं, गंदे मच्छर मक्खी भी ख़त्म हो जाएंगे साथियों। तो इनको पीलापन दूर करने के लिए आप NPK या फिर जो है थोड़ा यूरिया पर टंकी ले सकते हैं साथियों। और मैं आपको अब दिखाता हूँ दूसरी फसल, वो थोड़ी छोटी है और लगा हो तो गई है वो मेरे ख्याल से 40 दिन के करीब, लेकिन थोड़ी ग्रोथ में कमी है क्योंकि सर्दी में जो पौधा है ग्रोथ कम लेता। साथ ही दूसरी फसल दिखाता हूँ मेरे पास अभी फिलहाल कौन सी है, ये देखिए साथियों, फूल गोभी की खेती। फूल गोभी का खेत मेरा अंदर जो है, हम इसमें नहीं जा सकते क्योंकि पानी कल ही लगाया था, तो अंदर नहीं जाएंगे, अंदर गए तो हम सारे सड़ जाएंगे और सारे जो मिट्टी के भर जाएंगे हमारे पैर, तो अंदर नहीं जा सकते। मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है 40 दिन की हो गई है और 1 महीने आगे जो है ये हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी, इसकी कटाई हम करेंगे। पौधे का साइज देखिए, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, मैं जो फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों, ये मेरा फूल गोभी का किल्ला है और आपको पौधा भी दिखाता हूँ, ये देखिए कितना स्वस्थ पौधा है, कुछ कोई भी रोग नहीं है इसमें और ग्रोथ भी अच्छी है। ये गोभी देखिए, इसकी बिल्कुल कच्चे पत्ते हैं साथियों, गोभी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये देखिए। और ये पूरा किल्ला है साथियों, वहाँ लग पीछे लग जो है मैंने गोभी लगा रखी है, 1 किल्ला है ये गोभी का, आप देख पा रहे होंगे।
और गोभी में आप जो है पानी के ऊपर डीएपी यूरिया वगैरह डाल सकते हो, और सफरे के लिए आप मोनो रिमोन कोराजन वगैरह की सफरे कर सकते हो, और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आपके वहाँ पर मिलती है, आप सफरे कर सकते हो साथियों। तो ये गोभी है, और गोभी कैसी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों, कैसी खड़ी है। इसके अलावा मेरे पास गोभी की पौध भी है, मैं आपको पौध भी दिखाता हूँ साथियों। लेकर चलता हूँ मैं आपको हमारी गोभी की पौध के पास। फिलहाल मेरे पास अभी गोभी की कौन कौन सी वैरायटियाँ है अभी, तो ये देखिए साथियों, इनमें भी पानी लगा रखा है साथियों मैंने। ये देखिए, ये यहाँ पर जाली लगा रखी है, ये जो है कुत्ते वगैरह आ जाते हैं उनसे बचाव के लिए जाली लगा रखी है साथियों। ये देखिए, ये जाली चारों मेर लगा रखी है, ये कुत्ते होते हैं वे पौध में खेलने लगते हैं, उनको जो है खेलना पसंद है। तो ये देखिए, ये वैरायटी है हमारे पास पौध की, इस साइड देखिए साथियों, और इस साइड देखिए। मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि पौध में जो है ग्रोथ के लिए कौन सी दवाई डालनी है, अगर नहीं देखा तो मैं वीडियो में जो है उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि पौध कैसी खड़ी है फिलहाल। तो साथियों ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए साथियों, ये देखिए बिल्कुल तैयार पौध है साथियों, बिल्कुल तैयार है। और वैरायटी की बात करूँ तो मेरे पास जो है तीन वैरायटियाँ हैं साथियों। सबसे टॉप वैरायटी मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो टॉप वैरायटी है कलाउज कंपनी की परल साथियों, अपने नाम से बिकती है, 2 साल से आई है मार्केट में और अपना नाम काफ़ी कमा चुकी है साथियों। इसी के साथ लकी सजंटा कंपनी की है साथियों, और सजंटा कंपनी का नाम चलता है मार्केट में। और इसी के साथ तीसरी जो वैरायटी है 85 नंबर साथियों। तो मेरे पास तीन वैरायटियां हैं, अगर किसी भाई को लेनी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में डाल दूंगा साथियों। और आप ये देख पा रहे होंगे, आपको मेरी ये पौध कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा साथियों। ये देखिए बिल्कुल तैयार पौध है। तो किसान साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भाई को पौध वगैरह लेनी हो तो कमेंट कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, वीडियो में मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा साथियों, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, भी के लिए जय जवान जय किसान।